टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो एज यू नो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे ऑर्गन जो हैं दे वर्क टुगेदर एज अ बायोलॉजिकल सिस्टम टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शंस। तो ईच ऑर्गन जो है इट हैज अ पर्टिकुलर जॉब इन द बॉडी एंड इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट टिश्यूज। तो हम यहाँ पे जो जिस सिस्टम की आज बात कर रहे हैं वो है यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम जो है इसमें सारे ऑर्गन्स जो हैं मिल के क्या काम कर रहे हैं और वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इसमें शामिल हैं, आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यूरिनरी सिस्टम का जो फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड क्रिएशन ऑफ यूरिन एज वेस्ट प्रोडक्ट। तो इसमें जो हमारे ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट मेटाबोलाइट्स होते हैं उनकी ये फिल्ट्रेशन होती है और वो जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। और इसमें जो ऑर्गन्स शामिल हैं वो है किडनीज, रीनल पेल्विस, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। और हर ऑर्गन जो है इसमें उसकी एक पर्टिकुलर जॉब है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किडनीज की कुछ और जॉब है, यूरेटर की कोई और जॉब है, ब्लैडर की कोई और जॉब है, लेकिन ये बेसिकली सभी इन्वॉल्व हैं इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स आउट ऑफ बॉडी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें किडनी। हमारी बॉडी के अंदर दो किडनीज मौजूद हैं, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। अब इन किडनीज का क्या फंक्शन है? तो किडनीज जो हैं वो यूरिन फॉर्मेशन करती हैं बाय फिल्टरिंग वेस्टेज एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर जितने भी वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स हैं उसकी फिल्ट्रेशन होती है हमारी किडनी में, और इसके अलावा जो भी एक्सेस वाटर है वो भी यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो बेसिकली इसका एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मोरेगुलेशन में भी रोल है। फिर यूरिन फॉर्मेशन जो है किडनी के अंदर जब हो जाती है तो उसको क्या है उसके बाद पास आउट की कर दिया जाता है यूरेटर में। अब यूरेटर जो है वो है थिन वॉल ट्यूब्स। अब यूरेटर का जो फर्स्ट पोर्शन है सबसे पहले यहाँ पे जो है कलेक्शन ऑफ यूरिन हो जाता है। इस पोर्शन को हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। ये एक एनलार्ज पोर्शन है यूरेटर का, ठीक है, और ये किडनी जो है उसके अंदर एंटर हो रहा है। और यहाँ से जब यूरिन जो है कलेक्ट होके कहाँ चला जाता है यूरेटर में, जो कि ट्यूब्स हैं जो इसे कहाँ लेके जा रही हैं ब्लैडर में। इन ट्यूब्स के ओपनिंग्स को हम कहते हैं यूरेट्रल ओरिफिस। ये क्या करती हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन होती हैं और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है जितना भी यूरिन है वो कलेक्ट हो जाता है और यहाँ पे तब तक रहता है जब तक कि ये फुल नहीं हो जाता। फिर ये जो ब्लैडर है इसके आगे एक ओपनिंग है यूरिथ्रा, जो कि हमारी बॉडी से बाहर की तरफ ओपन हो रही है और जितना भी यूरिन है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है इस ओपनिंग यूरिथ्रा के थ्रू। अब जो है यूरिथ्रा और ब्लैडर उसके जंक्शन पे कुछ मसल्स मौजूद होते हैं जो कि इस ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। अगर तो ये ओपनिंग जो है वो टाइटली क्लोज ना हो तो यहाँ पे यूरिन के लीकेज का खतरा भी होता है। तो यहाँ पे कुछ सर्कुलर मसल्स होते हैं, उन्हें हम स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं, जो यूरिथ्रा की ओपनिंग को और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। जब तक ये उनको ब्रेन से कोई मैसेज नहीं मिलता तब तक ये ओपनिंग जो है वो इस ब्लैडर के इर्द गिर्द जो है वो क्लोज ही रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर। तो किडनी का स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि किडनी का कैसा स्ट्रक्चर है और किस तरह से इसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन होती है। तो किडनी का यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शन दिया गया है हमें। तो किडनी के अंदर जो है दो तरह की आपको नजर आ रही है ब्लड वेसल्स। एक आपको ये रेड कलर की जो ब्लड वेसल नजर आ रही है इसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी कहाँ से आ रही है, ये एब्डोमिनल एओर्टा से आ रही है। एब्डोमिनल एओर्टा जो है दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट किडनी में चला जाता है एक ब्रांच और एक ब्रांच राइट किडनी में चली जाती है, जैसे ये हमें लास्ट पिक्चर में नजर आ रहा है कि ये एब्डोमिनल एओर्टा जो है टू ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है, एक लेफ्ट किडनी की तरफ और एक राइट किडनी की तरफ। इसी तरह से यहाँ वेना केवा जो है ब्लू कलर की जो हमें वेन नजर आ रही है ये भी दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है,
एक राइट किडनी की तरफ और दूसरी लेफ्ट किडनी की तरफ। अब ये क्या करती है, रीनल आर्टरी को हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्या करती है। ये जब हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो ये इसे किडनी को सप्लाई करती है। फिर किडनी में जब ये जाती है तो ये बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, बहुत सारी कैपिलरीज में सब डिवाइड हो जाती है, और ये कैपिलरीज जो है नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करती है। और फिर नेफ्रॉन क्या करता है, इस ब्लड की फिल्ट्रेशन करता है। इसी तरह से ये जो रीनल वेन है ये ब्लड को नेफ्रॉन से जो है फिल्टर्ड ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके जा रही है, और ये होगा हमारे पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए हमने इसको ब्लू से इंडिकेट किया है। फिर किडनी का जो एक आउटर पोर्शन है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पोर्शन को हम मेडुला कहते हैं। अब इनर पोर्शन मेडुला में एक यहाँ पे एक डिप्रेशन है हाइलेक्स, तो कॉर्टेक्स के अंदर यूरिन फॉर्मेशन होती है और उसके बाद ये मेडुला के अंदर कलेक्ट हो जाता है और फिर हाइलस के अंदर स्टोर हो जाता है, जब तक कि ये यूरेटर की मदद से किडनी से बाहर ना चला जाए। अब नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन को हम कहते हैं कि ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, यानी किडनी के जो भी फंक्शंस हैं वो बेसिकली परफॉर्म कैसे हो रहे हैं, नेफ्रॉन के थ्रू। तो नेफ्रॉन का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा है, ये किसकी बहुत सिंपल सी डायग्राम है नेफ्रॉन की। अब यहाँ पे जो है दो तरह की आर्ट्रियोल्स हमें नजर आ रही हैं, एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल। अब इन दोनों आर्ट्रियोल्स में क्या डिफरेंस है, तो एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो रीनल आर्टरी से आ रही है और ये ब्लड को लेके आती है फ्रॉम बॉडी टू ग्लोमेरुलस, जबकि इफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो ग्लोमेरुलस से ब्लड को लेके जा रहा है अवे। और ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ या बॉल ऑफ कैपिलरीज है जो के ब्लड की फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व है। अब इस ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द एक कप शेप स्ट्रक्चर है जिसे हम इस नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट कहते हैं। नेफ्रॉन बेसिकली एक ट्यूब्यूल होती है और ये उसका फर्स्ट पोर्शन है। अब ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड है जब उसकी फिल्ट्रेशन होती है तो ये फिल्ट्रेट जो है इस बोमेंस कैप्सूल में कलेक्ट हो जाता है। इस फिल्ट्रेट के अंदर आयंस होते हैं, सॉल्ट होते हैं, वाटर होता है, ग्लूकोज होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। फिर ये फिल्ट्रेट जो है इस ट्यूब्यूल की तरफ फर्दर आगे को मूव करता है। तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पोर्शन है इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल का क्या फंक्शन है, यहाँ पे भी जो है इस फिल्ट्रेट की फर्दर जो है रीएब्जॉर्प्शन होती है। इसके अंदर जो ग्लूकोज है, सॉल्ट है, आयंस है, वाटर है, जो भी ग्लोमेरुलस से आ रहे हैं, यानी इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, इसकी फर्दर रीएब्जॉर्प्शन इस ट्यूब्यूल में होती है। फिर रीएब्जॉर्प्शन के बाद ये इस यू शेप स्ट्रक्चर जो है उसमें एंटर हो जाता है जिसे हम लूप ऑफ हैनल कहते हैं, और यहाँ पे भी वाटर और सोडियम एंड क्लोराइड आयंस की रीएब्जॉर्प्शन होती है। फिर ये फिल्ट्रेट फर्दर ऊपर की तरफ मूव करता है डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल में, और डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल में भी आयंस की एब्जॉर्प्शन होती है। इसके अलावा ये इन्वॉल्व है रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ यूरिन। फिर इसका लास्ट पोर्शन है कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे जो है क्या होता है, तमाम यूरिन जो है तमाम नेफ्रॉन से यहाँ कलेक्ट हो जाता है और रीनल पेल्विस के अंदर चला जाता है। उसके बाद आपको पता है रीनल पेल्विस से ये यूरेटर की मदद से किडनी से बाहर चला जाता है। फिर हमें यहाँ पे उन्होंने दो तरह के नेफ्रॉन्स के बारे में बताया है, कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। इन दोनों नेफ्रॉन्स में क्या फर्क है, तो कॉर्टिकल जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये किडनी के आउटर पोर्शन यानी कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं, तो इनका ये जो भी पोर्शन है लाइक बोमेंस कैप्सूल हो गया, डिस्टल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये उसके कॉर्टिकल पोर्शन तक ही कंफाइंड है। जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है बिल्कुल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो जंक्शन है कॉर्टेक्स और मेडुला का वहां से स्टार्ट हो रहा है, और इसका सारा जो पोर्शन है
लूप ऑफ हैनर और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो इनर मेडुला तक जो है एक्सटेंड हुआ हुआ है। तो ये जो है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ये इन्वॉल्व है इन द प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं एंड होता है। थैंक यू।